हेलो मित्रों, माय नेम इज सुरेश सिंह गहलोत, गुरुकुल एकेडमी फ्रॉम झाबुआ। आज आपको मुझे बताने जा रहा हूँ आर्टिकल। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आर्टिकल के बारे में डिटेल आपको समझाया था, उसी के ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आर्टिकल बता रहा हूँ जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको ए और एन का यूज़ कहाँ करना है उस पर ध्यान देना है। आपको सबसे पहले ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, तो आपको इसके लिए आपको साउंड पे ध्यान रखना, उच्चारण पे ध्यान रखना, ध्वनि पे ध्यान रखना कि आपको जो जो फर्स्ट उच्चारण क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्वर है या व्यंजन है। यदि स्वर आ रहा है तो आपको एन का यूज़ करना है और व्यंजन आ रहा है तो आपको ए का यूज़ करना है। स्वर कौन क्या होते हैं, अ से अ तक होते हैं वो स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ये अल्फाबेट है, आपको हिंदी का अल्फाबेट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि सब पूरा उच्चारण पे ही ये डिपेंड है। ओके, और डेफिनेट होते हैं, द होता है डेफिनेटिव होता है, कहाँ यूज करते हैं, धार्मिक ग्रंथ, विषय, ऐतिहासिक इमारतें, नदी, पर्वत, पहाड़, ग्रह, उपग्रह और भी जो प्रसिद्ध चीज़ें होती है जो विश्व में एकमात्र होती है वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, जो यूनिक चीज़ें होती है। ओके, कुछ एग्जाम्पल है जो विशेष एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। माय ब्रदर इज एस डी ओ, यहाँ पर ध्यान रखना एस डी ओ ए आ रहा है जो कि क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसके अंदर यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है जो कि स्वर है, इसलिए हम इसके अंदर एन का यूज करेंगे क्योंकि ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ए क्या होता है, साइलेंट होता है। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, इंजीनियर यहाँ पर ध्यान रखना, इंजीनियर, इंजीनियर आ रहा है जो कि क्या है, ई है, ई क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसके अंदर एन का यूज कर रहे हैं। गंगा, गंगा एक नदी है, पवित्र नदी, सभी नदियों के आगे हम द का यूज करते हैं, इसलिए द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, अ का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि सैक्रेड सा आ रहा है जो कि व्यंजन है और व्यंजन के आगे हमको ए का यूज करना है। सन राइजेस इन, सन क्या है, ग्रह उपग्रह भी है, इसलिए हम इसमें द का यूज करेंगे क्योंकि ग्रह उपग्रह क्या के द का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा है, इसलिए आगे द का यूज कर रहे हैं। ही इज यूरोपियन, अब यहाँ पर ध्यान रखना यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, बट ई क्या होता है जो कि साइलेंट वर्ड होता है, ई का हम यूज नहीं करते हैं, उच्चारण यहाँ से होता है यूरोपियन, यूरोपियन जो कि यह व्यक्ति का आ रहा है और यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम इसके आगे ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिया इज एम ए इन इंग्लिश, एम ए, एम ए क्या आ रहा है, एडी का आ रहा है जो कि स्वर है, इसलिए हम इसके आगे एन का यूज कर रहा है। आपको केवल उच्चारण पे ही ध्यान देना विशेष। द काउ, काउ क्या है, एक जाति है जो कि पूरे संविधान को रिप्रेजेंटेटिव करे, इसलिए हम इसके आगे द का यूज करेंगे। तो द काउ इज यूजफुल एनिमल, अब यहाँ रखना यू, यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसको जो बोल रहे हैं तो यूजफुल क्या आ रहा है, यह आ रहा है यह जो कि व्यंजन है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। He is university student, यहाँ पर देखना U से स्टार्ट हो रहा है, uni, university, यह आ रहा है जो कि व्यंजन है, इसलिए हम इसके आगे A का यूज करेंगे। रुचि कैन विदाउट अम्ब्रेला, रुचि कैन विदाउट अम्ब्रेला, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो कि क्या है, स्वर है, इसलिए स्वर के आगे हमको ध्यान रखना है एन का यूज करने के। आप यहाँ पर ध्यान देना बोर्ड पे इसमें कि ये यू है और ये भी है, दोनों का जो फर्स्ट अल्फाबेट है यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जो उच्चारण हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। इसका जो पढ़ रहे हैं हम हिंदी में यूरो यूनिवर्सिटी और ये आ रहा है अम्ब्रेला, दोनों यू से स्टार्ट हो रहा है, बट जो ध्वनि आ रही है चेंज आ रही है, इसकी जो ध्वनि आ रही है वो व्यंजन आ रही है इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं, और इसकी ध्वनि आ रही है स्वर आ रही है इसलिए आप इसलिए एन का यूज करेंगे। तो विशेष आपको ध्वनि पे ही ध्यान देना है कहाँ इसका यूज करना है। द ट्रेन कैन आवर लैक, इसके अंदर इसमें पढ़ेंगे इसको हवर नहीं पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये आ जाता आवर, आवर जो कि क्या है, सो है, इसलिए हम इसके आगे यूज करेंगे एन का यूज करेंगे। वी ई एप्पल डेली, एप्पल डेली क्या है, एप्पल आ रहा है, ए आ रहा जो कि स्वर है, इसलिए स्वर के आगे आपको एन का यूज करना है। ये विशेष एग्जांपल है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल और है जो कि पूछे जाते हैं, आपको मैं और बता देता हूँ। आप इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान दे देना कि एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रटना नहीं है आपको, इसको समझना है आपको, इसके उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है।
जैसे 13 एग्जांपल, कोई भी नाम ले लो, राम इज एनसीसी कैडेट। अब यहाँ पर जाना एनसीसी कैडेट, ये एन से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश के अंदर ये है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, बट हिंदी के अंदर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, जैसे एन, एन आ रहा है, एडी का आ रहा है जो कि स्वर है, इसलिए इसके आगे हम यूज करेंगे एन, एन एनसीसी कैडेट, एन एनसीसी कैडेट। रिया इज गुड गर्ल, प्रिया इज गुड गर्ल। अब गुड आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना गुड गर्ल क्या आ रहा है जो कि इसमें उच्चारण करने पे व्यंजन आ रहा है, इसलिए हम इसके यूज करेंगे ए गुड गर्ल। सी रीड्स सी रीड्स रामायण, वह रामायण पढ़ती है डेली, वह रामायण पढ़ती है डेली। रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ, सभी धार्मिक ग्रंथों के आके आपको द का यूज करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको बता है, इन एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, और भी कोई डाउट हो, क्लियर हो, तो मैंने पिछले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखना, तो आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ अगले वीडियो के इसमें अंदर आपको मैं क्लियर करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो आएगा कि इसमें कहाँ साउंड होते हैं, कौन कौन से वर्ड साउंड होते हैं, किसमें उच्चारण होता है, किसका उच्चारण नहीं होता है। ओके, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।